Good morning students, myself Professor Anil Kumar, and today I'll be discussing the next topic that is modems for computer networks. So let's start with the topic. So aaj hum discuss karenge modem. So modem aapne dekh rakha hoga, jaise aap internet wagera chalate ho to uske liye hum modems use karte hain. Aapke broadband modems hote hain, wifi modems hote hain, even aapke abhi jo mobiles hain unme bhi modems available hain, इसलिए आप उनसे भी इंटरनेट का जो है वो यूज़ कर सकते हो. सो मॉडम एक आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है विच स्टैंड्स फॉर, इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज़ मॉड्यूलेशन. ये दो वर्ड से बना है एक्चुअली, मॉड एंड देन डी ई एम, आप ऐसे लिख सकते हो इसको. तो एम मॉड का मतलब मॉड्यूलेशन, और डी ई एम का मतलब क्या है, डी मॉड्यूलेशन. ठीक है, तो इन दोनों वर्ड्स का ये मतलब है मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूलेशन. मीन्स अगर मॉडम की आपको कोई फुल फॉर्म पूछे तो मॉडम की फुल फॉर्म क्या है, मॉड्यूलेशन है, डी मॉड्यूलेशन. तो अब मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, ये डिजिटल सिग्नल को जो है एनालॉग में कन्वर्ट करता है. ठीक है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है. और डी मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है, इट विल कन्वर्ट अ एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, यानी कि ये डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा. ठीक है, तो आपने क्या याद रखना है, मॉडम क्या करता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करता है या एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट करता है, डिपेंडिंग अपॉन किस साइड पे. अगर वो सेंडर साइड पे है, ठीक है, जैसे सेंडर है तो वो क्या करेगा, डिजिटल डाटा सेंड करेगा. ठीक है, डिजिटल डाटा सेंड करेगा तो जो वायर्स हैं उनमें तो आपका एनालॉग डाटा जाता है, तो मॉडम क्या करेगा, डिजिटल टू एनालॉग में उसको कन्वर्ट कर देगा. ठीक है, अब जो रिसीवर साइड है वो क्या होगा, आप जो आपका रिसीवर कंप्यूटर है उसको तो डिजिटल सिग्नल समझ आता है, पर रिसीव क्या हो रहे हैं, एनालॉग. तो मॉडम क्या करेगा, एनालॉग टू डिजिटल सिग्नल जो कन्वर्ट करेगा. तो आप बोल सकते हो कि सेंडर साइड आपकी मॉड्यूलेशन होती है और रिसीवर साइड आपकी डी मॉड्यूलेशन होती है. ठीक है, जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं. अब ये जो डिवाइसेस होती हैं इनको टेक्निकली इन्होंने एक वर्ड दे रखा होता है, डी टी ई. ठीक है, डी टी ई की मतलब क्या, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट. इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट. तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हो, डेटा टर्मिनल जहाँ पे डाटा आगे रुकता है, इक्विपमेंट मतलब डिवाइस, एक डिवाइस जहाँ पे डाटा आगे रुकता है. ठीक है, तो ये आपका डी टी मतलब कोई भी कंप्यूटर या कुछ भी हो सकता है. तो इसमें हम ये जो मॉडम लगा देते हैं, ठीक है, ये हमने मॉडम सा लगा दिया. ठीक है, ये मॉडम हो गया, और ये इंटरनेट के थ्रू जो डाटा आपने सेंड कर दिया और दूसरी साइड भी जो बंदा है उसके पास भी ये मॉडम सा कुछ हो गया, और ये मॉडम उसके भी कंप्यूटर के साथ जो है वो कनेक्टेड होगा, यानी कि डी टी ई के साथ कनेक्टेड होगा. तो अब ये जो वायर्स के बीच में सेंटर में डाटा जा रहा है, ये तो एनालॉग सिग्नल्स जो हैं ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं. अब कंप्यूटर जो है ये क्या सेंड करता है, डिजिटल सिग्नल. तो अब ये जो मॉडम है ये क्या करेगा, डिजिटल टू किस में कन्वर्ट कर देगा, एनालॉग विद द हेल्प ऑफ एम ओ मॉड्यूलेशन की हेल्प से. ठीक है, और यहाँ पर जो कंप्यूटर है, जो आपका मोबाइल है, ये भी आपका डिजिटल सिग्नल को ही रिसीव करेगा, पर आ क्या रहा है आपके नेटवर्क से, क्या आ रहा है, एनालॉग सिग्नल. तो मॉडम क्या करेगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट कर देगा, यानी कि यहाँ पे आपका क्या चलेगा, डी मॉड्यूलेशन यहाँ पे आपकी काम करेगी. ठीक है, तो आपने सिर्फ यही याद रखना होता है कि मॉडम स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेशन एंड डी मॉड्यूलेशन. मॉड्यूलेशन मीन्स कन्वर्टिंग अ सिग्नल फ्रॉम डिजिटल टू एनालॉग टाइप, एंड डी मॉड्यूलेशन मीन्स कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल सिग्नल. तो ये सेंडर साइड काम करता है, ये रिसीवर साइड काम करेगा. तो इस तरह ये आपकी डायग्राम एक छोटी सी बन जाती है. ठीक है, ये आपका सिंपल आया कि मॉडम का क्या यूज़ है और वो कैसे होता है. ठीक है, तो ये जो वायर्स हैं, ये वाली वायर्स, ये आपकी नॉर्मली टेलीफोन वायर्स होती हैं जिन पे आप जो है डाटा जो है आप सेंड करते हो. आप जो भी कनेक्शन लगाते हो, आप ऐसे बोलते हो ना, कनेक्ट का लगाया, BSNL का लगाया, जियो का लगाया, तो वो क्या है, आपकी टेलीफोन वायर्स हैं. तो उनमें आपका एनालॉग जो सिग्नल्स हैं वो यहाँ पर पास होते हैं. ठीक है, तो इट मीन्स आपने क्या याद रखना है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट करने के लिए मॉड्यूलेशन है, एनालॉग टू डिजिटल डी मॉड्यूलेशन है. बस ये याद रखना है. इसमें कई बार जो है बच्चों को गलती लगती है कि मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है और डी मॉड्यूलेशन का मतलब क्या है. तो आपने इसको पक्का कर लो कि मॉड्यूलेशन मतलब डिजिटल टू एनालॉग और डी मॉड्यूलेशन मतलब एनालॉग टू डिजिटल. ठीक है,
तो आप इसी तरह इस डायग्राम को बना के भी याद रख सकते हो। उसके बाद जब जो आता है इसका आता है मॉडम का, कि मॉडम में होता क्या क्या है या उसकी जो बनतर है वो किस तरह बनाया जाता है या उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो वो हम स्टडी कर लेते हैं। तो एक जो मॉडम है, अब अभी हम मॉडम को जो है थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब जो एक मॉडम है उसमें सबसे पहले तो होता है एक डिजिटल इंटरफेस, ठीक है। ये हो गया डिजिटल इंटरफेस, यहाँ पे एक होता है लाइन इंटरफेस, ठीक है। और यहाँ पे एक ट्रांसमीटर है और एक रिसीवर है। एक यहाँ पे ट्रांसमीटर है जिसे हम मॉड्यूलेटर भी बोलेंगे, MOD लिख रहा हूँ सिर्फ मैं। और यहाँ पे एक रिसीवर होगा जिसे हम डीमॉड्यूलेटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिजिटल इंटरफेस और ये हो गया आपका लाइन इंटरफेस। अब ये मॉडम को हमने कनेक्ट कर लिया DTE से, ठीक है। अब यहाँ पे वायरिंग हो गई, मतलब टेलीफोन लाइंस हो गई। इस साइड भी एक मॉडम होगा और ये वाला मॉडम भी फर्दर किससे कनेक्टेड है, आपके DTE से, कंप्यूटर से, ठीक है। DTE से आपका ये कंप्यूटर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे भी एक इसका इसका भी उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे लाइन इंटरफेस हो जाएगा, यहाँ पे इसका डिजिटल इंटरफेस हो जाएगा और यहाँ पे इसका रिसीवर, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे तो सेम ही आएगा, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और यहाँ पे इसका ट्रांसमीटर जो है वो हो जाएगा MOD, ठीक है। तो ये हम मान के चल रहे हैं कि हम डाटा इस डायरेक्शन में सेंड कर रहे हैं, यानी कि हम सेंडर टू रिसीवर, ये आपका सेंडर हो गया इस साइड और यहाँ पे आपका रिसीवर हो गया, ठीक है। तो अब मॉडम करेगा क्या, DTE जब भी कोई सिग्नल भेजता है तो वो किसके थ्रू भेजता है, डिजिटल इंटरफेस के थ्रू। और जब भी कोई रिसीव करता है तब भी किससे करता है, वो डिजिटल इंटरफेस के थ्रू। मतलब डिजिटल इंटरफेस किसको समझ किन चीज़ों को समझता है, सिर्फ डिजिटल सिग्नल्स को, ठीक है। जब DTE ट्रांसमिट कर रहा है तो DTA ने जो सिग्नल भेजा वो किसने रिसीव किया, डिजिटल इंटरफेस ने। इसको किसको भेजना आगे, मॉड्यूलेटर को। मॉड्यूलेटर ने उसको एनालॉग में कन्वर्ट कर देना है। और लाइन इंटरफेस किसको समझता है, एनालॉग सिग्नल्स को समझता है। तो एनालॉग सिग्नल लाइन इंटरफेस ने रिसीव की है, उन एनालॉग सिग्नल्स ने ट्रैवलिंग की वायर के ऊपर, और इस साइड भी लाइन इंटरफेस ने उसको अंडरस्टैंड कर लिया। क्योंकि अब ये सेंडर रिसीवर साइड है, तो इस केस में क्या होगा, ये एनालॉग सिग्नल किसको जाएगा, DEM रिसीवर को जाएगा। तो ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, दोबारा डिजिटल सिग्नल में, ठीक है। और डिजिटल सिग्नल आपका DI के थ्रू होता हुआ रिसीवर जो है वो रिसीव कर लेगा। तो ये आपकी, ये इसकी वर्किंग है, ठीक है, कि मॉडम को आप कैसे करते हो, कि इसमें ये इंटरफेस होते हैं। डिजिटल इंटरफेस होता है जो कनेक्ट करता है DTE को, ठीक है। और ये ही आपका डिजिटल सिग्नल को सेंड भी करेगा और रिसीव भी करेगा। और LI जो है ये आपके एनालॉग सिग्नल्स को रिसीव करेगा और सेंड करेगा। उसके बाद आते हैं आपकी टाइप्स ऑफ मॉडम। अब मॉडम की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं, तो वो तीन तरह इन्होंने बाइफिकेट की हुई है। तो सबसे डायरेक्शनल, सबसे पहले जो है वो है डायरेक्शनल कैपेसिटी पे, कि किस डायरेक्शन में आप डाटा भेजते हो उसके बेसिस पे इन्होंने मॉडम्स बताए हैं। तो वो हमारे पास दो हैं, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो ये वही सेम कॉन्सेप्ट्स आएंगे जो अभी तक हमने स्टडी किए हैं, कि हाफ डुप्लेक्स का मतलब क्या होता है और फुल डुप्लेक्स का क्या मतलब होता है। जो सेकंड कैटेगरी इन्होंने बताई है वो बताई है कनेक्शन टू लाइन, कि लाइन के साथ किस तरह का कनेक्शन है, कितनी लाइंस हैं। तो इसमें टू वायर मॉडम है, दो वायर के साथ मॉडम हो सकता है, या आपका फोर वायर्ड मॉडम हो सकता है, ठीक है। दो तरह के आपके पास मॉडम हो सकते हैं कनेक्शन टू लाइन के बेसिस पे। तीसरा बेस इन्होंने बताया ट्रांसमिशन मोड, कि आप ट्रांसमिशन मोड के हिसाब से जो डिवाइड कर सकते हो मॉडम्स को टू टाइप्स में, वो है आपका सिंक्रोनस। पहली आएगी सिंक्रोनस टाइप और सेकंड जो आएगी वो आएगी ए सिंक्रोनस टाइप, ठीक है। दो तरह की आपके पास टाइप्स हैं। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स को। तो हाफ डुप्लेक्स के केस में हमने क्या स्टडी किया था, कि एक आइटम एट ए टाइम या तो वो सेंडर होती है या वो रिसीवर होती है, दोनों नहीं हो सकती, ठीक है। एट ए टाइम एक डिवाइस या सेंड करेगी डाटा या वो रिसीव करेगी, वो सेम नहीं हो सकती। इसी तरह आप मॉडम के केस में भी है, तो मॉडम क्या करेगा, एट ए टाइम या तो वो डाटा सेंड करेगा या रिसीव करेगा। तो अब हमने क्या स्टडी करना है, कि आपका यहाँ पे एक मॉडम है, ठीक है। तो इसको एक रिक्वेस्ट किसी ने भेज दी कि ये डाटा सेंड कर दो, यानी कि इसको इसने एक डिजिटल सिग्नल जो है रिसीव कर लिया। तो अब
मॉडम क्या करेगा, मॉडम इसको वायर बोलेंगे, वायर को हम बोल रहे हैं कैरियर, ठीक है। तो इस पे अगर कोई इनकमिंग कैरियर आ रहा है, मतलब कोई डाटा, क्योंकि हाफ डुप्लेक्स में क्या है, एट ए टाइम या सेंडर या रिसीवर, तो इसने सेंड करने की रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, मतलब DTE ने आपके मॉडम को बोला कि मेरी ये वाली रिक्वेस्ट जो फुलफिल कर दो, डाटा सेंड कर दो। अब मॉडम पहले चेक करेगा कि कुछ मैं रिसीव तो नहीं कर रहा, अगर उसे लगा कि कोई इनकमिंग कैरियर वो आ रहा है तो वो क्या कर देगा कि मैं डाटा जो है वो सेंड नहीं करूँगा, मैं सिर्फ उसको क्या करूँगा, रिसीव, मैं क्या डाटा को करूँगा, रिसीव, ठीक है। और इन केस अगर उसको लगता है कि इनकमिंग कैरियर नहीं आ रहा, ठीक है, अगर दूसरा केस क्या होगा, वो रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे डाटा सेंड करना है और उसे इनकमिंग कैरियर जो है वो नहीं दिखता, मतलब जो आपकी वायर है वो फ्री है, उसको कोई और बंदा यूज़ नहीं कर रहा, तो वो मतलब रिसीवर नहीं है, तो उस टाइम पे आपकी रिक्वेस्ट क्या हो जाएगी, फुलफ़िल, यानी कि येस करके ये डाटा को जो है ये सेंड कर देगा, ठीक है। तो ये होता है आपका हाफ डुप्लेक्स। फुल हाफ डुप्लेक्स में सिर्फ आपने ये याद रखना है कि या तो वो डाटा रिसीव करेगा, यानी कि इस केस में उसने सिर्फ रिसीव कर लिया, सेंड नहीं कर पाया, इस केस में वो सेंड कर पाया, रिसीव नहीं कर पाया, ठीक है। तो आप या तो डाटा सेंड करोगे या आप डाटा को रिसीव करोगे, एक ही काम कर सकते हो। फुल डुप्लेक्स में क्या है कि सेम टाइम पे आप डेटा को, इसमें सिंपल सा मेथड है, सेम टाइम पे आप जो डाटा को है वो सेंड भी कर सकते हो और रिसीव भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो सेकंड टाइप्स हमने देखनी है, वो हमने देखनी है टू वायर और फोर वायर। तो पहले हम देखते हैं फोर वायर, ठीक है। फोर वायर मॉडम में क्या है कि आपके जो दो मॉडम हैं वो चार वायर से, फोर वायर से वो कनेक्टेड है, इसलिए इनको फोर वायर बोल दिया। वन वायर, ये टू, ये थ्री और ऐसे फोर, फोर वायर से आपका एक मॉडम दूसरे मॉडम के साथ कनेक्टेड होगा। अब इसमें से वन पेयर यानी कि एक जोड़ी को हम यूज़ करेंगे सेंड करने के लिए, और वन पेयर यानी कि एक जोड़ी जो वायर है उनको हम रिसीव करें, यूज़ करेंगे रिसीव करने के लिए। तो आपकी वन पेयर जो है वायर वो सेंड के लिए यानी कि आउटगोइंग के लिए आपकी यूज़ हो गई, और एक पेयर जो वायर का मतलब दो, ये पहली वायर वायर्स मान लो आउटगोइंग के लिए है, और ये दो वाली वायर जो है वो रिसीविंग के लिए, ठीक है। तो ये आउटगोइंग के लिए और ये इनकमिंग के लिए। तो इस केस में आप जो है फोर वायर के केस में हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स जो है वो दोनों आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्योंकि वायर्स ही अलग अलग हैं, तो डाटा आप सेंड जैसे मर्जी कर दो, चाहे सभी की फ्रिक्वेंसी सेम भी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपकी वायर्स ही अलग अलग होगी, ठीक है। तो आप फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स को आसानी से जो है इंप्लीमेंट कर सकते हो। सेकेंड जो टाइप आती है टू वायर मॉडम, इसमें क्या है, अब आपका जो दो मॉडम्स हैं वो सिर्फ दो वायर के साथ जो है वो कनेक्टेड है, इसमें दो ही वायर्स लगी हुई हैं, तो इसी पेयर को हम यूज़ करते हैं सेंड के लिए, इसी पेयर को हम यूज़ करते हैं रिसीव के लिए, तो ऑटोमेटिकली इसमें हाफ डुप्लेक्स तो आपका आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने यही पेयर मतलब यही जोड़ी को आपने डाटा सेंड करने के लिए यूज़ करना है और इसी को आपने रिसीव करने के लिए यूज़ करना है, तो आपका यहाँ पे हाफ डुप्लेक्स जो है वो आसानी से जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब टू वायर में क्या है, आपका खर्चा कम हो गया, क्योंकि फोर वायर में आपकी चार वायर्स लगी हैं और टू वायर्स में आप दो वायर्स का यूज़ कर रहे हो, तो इसलिए आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर तो आपकी फ्रिक्वेंसी सेम यूज़ कर रहे हो, अगर आप फ्रिक्वेंसी को सेम रखना चाहते हो, तो आप क्या यूज़ कर पाओगे, हाफ डुप्लेक्स, मतलब सेम फ्रिक्वेंसी पर आप डाटा सेंड कर रहे हो, सेम फ्रिक्वेंसी पर आप रिसीव कर रहे हो, तो आपको हाफ डुप्लेक्स इंप्लीमेंट कर पाओगे। अगर आपने फुल डुप्लेक्स को इंप्लीमेंट करना है, यानी कि आप चाहो कि सेम टाइम पे डाटा सेंड भी करें और सेम टाइम पे आप डाटा रिसीव भी कर पाओ, तो आपको यहाँ पे फ्रिक्वेंसी डिवीज़न मल्टीप्लेक्सिंग को जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप यहाँ पे फुल डुप्लेक्स को जो है इंप्लीमेंट कर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट टाइप्स हमने देखी हैं वो है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। तो ये बहुत सिंपल होती हैं, इसमें सिर्फ आपने क्या याद रखना होता है, एसिंक्रोनस के केस में जब डाटा आप सेंड करते हो तो उसके सेंड होने से पहले यानी कि एक्चुअल डाटा से पहले आप स्टार्ट बिट्स लगाओगे, यानी कि ये स्टार्ट बिट्स ये बता देंगे कि आपका डाटा स्टार्ट हो गया, और यहाँ पे आप क्या लगाओगे, एंड बिट्स, कि आपका डाटा यहाँ पे एंड हो गया, ठीक है। तो स्टार्ट और स्टॉप बिट्स बोलते हैं इनको, या बाइट्स बोल देते हैं। तो आपने क्या करना है, जब भी डाटा सेंड करना है तो उससे पहले एक फ्लैग लगा देना कि यहाँ से मेरा डाटा स्टार्ट हुआ, और स्टॉप कर देना कि यहाँ पे मेरा डाटा जो है वो ख़त्म हो गया। तो जो रिसीवर है उसको कोई और सिग्नल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिर्फ ये देखेगा यहाँ से डाटा स्टार्ट हुआ तो मतलब वो रिसीव करना शुरू कर देगा,
यहाँ पे उसका डाटा जो एंड हो गया तो उसके बाद वो डाटा को रिसीव नहीं करेगा। आपको कोई भी सेपरेट सिग्नल की ज़रूरत नहीं है, नो सेपरेट सिग्नल इज़ रिक्वायर्ड, किसी भी आपको अलग से सिग्नल की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती एसिंक्रोनस के केस में। सिंक्रोनस में अब उल्टा है, सिंक्रोनस में क्या होता है, आपको स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स नहीं है, यहाँ पे क्लॉक सिग्नल दिया गया, ठीक है। जैसे घड़ी का बटन जब ऑन हो गया, जब क्लॉक सिग्नल ऑन हो गया तो आप डाटा जो है वो रिसीव करना शुरू कर दोगे या सेंड करना शुरू कर दोगे, और जब क्लॉक सिग्नल हट जाएगा तो आपको डाटा जो है वो आप रिसीव या सेंड करना बंद कर दोगे। मीन्स आपकी डिपेंडेंसी टोटल किस पे होगी, क्लॉक सिग्नल पे, ठीक है। तो योर डाटा बिट्स आर ऑलवेज, डाटा बिट्स आर ऑलवेज ऑलवेज सिंक्रोनाइज्ड विद द क्लॉक सिग्नल, मतलब क्लॉक सिग्नल के साथ ही आपका सारा डाटा जो सिंक्रोनाइज, मतलब कब कौन डाटा रिसीव करेगा, आपने स्टार्टिंग और एंडिंग बतानी होती है। कोई भी जब आप काम करते हो, किसी को आपने कोई बात करनी, तो आप जैसे हम फ़ोन पे बात करते हैं तो हम स्टार्टिंग कैसे करते हैं, हेलो हम बोलते हैं, पहले हेलो, वहाँ से भी हेलो आती है, तो आपने ये स्टार्ट बिट है हमारी जब हम कॉलिंग करते हैं, तो जब हेलो कर दिया उसके बाद जो भी आपने बात करनी है आप डाटा ट्रांसफ़र करते हो, लास्ट में आप ओके बाय टाटा कुछ ना कुछ बोलते हो, तो वो आप क्या होगी, एंड बिट, ठीक है, मतलब आपकी स्टॉप बिट्स होगी। तो आपने स्टार्ट बिट, आपका स्टार्टिंग इंडिकेशन है, एक लास्ट इंडिकेशन, इसके अलावा आप कुछ नहीं देखते। कई बार क्या होता है कि आप बोलते हो कि आपने कॉलेज में आना है तो फीस जमा करानी, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका क्लॉक सिग्नल है, 9 बजे क्लॉक सिग्नल ऑन हो गया तो आप डाटा रिसीव करना शुरू कर दोगे। जैसे 3 बज गए, जो आपके पास जितना मर्जी डाटा हो, जितनी मर्जी फीस हो, आप कॉलेज और रिसीव नहीं करता। तो मतलब इस तरह आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि जब आपने स्टार्टिंग और एंडिंग आपने बाइट्स बता दी, तब आप एसिंक्रोनस, उसे हम बोलते हैं एसिंक्रोनस मॉडम, मतलब जो इस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस मॉडम, और सिंक्रोनस मॉडम्स वो होते हैं जो क्लॉक सिग्नल का यूज़ करते हैं, मतलब वो क्लॉक के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि जब सेंड करना होता है तब क्लॉक सिग्नल अलग टाइप के होते हैं, जब आपने रिसीव करना होता है तो आपका जो है क्लॉक सिग्नल जो है वो अलग टाइप के होते हैं, मतलब सेंडिंग और रिसीविंग के क्लॉक सिग्नल अलग अलग होंगे, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इन केस आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू कैन डिस्कस विद मी, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच।